हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित, और आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं कोई स्टॉक रेकमेंड नहीं करने वाला हूं, ना कि मैं कहने वाला हूं कि टेक्निकल चार्ट पे कुछ क्या कैसे दिखता है। इनफैक्ट मैं बताने वाला हूं कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल किस तरह है। काफी लोग मुझे पिंग करते हैं, काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप ट्रेड करते हो, कभी अच्छी न्यूज आती है स्टॉक में तो आप कहते हो शॉर्ट करना चाहिए, कभी बुरी न्यूज आती है तो आप कहते हो बाय करना चाहिए, तो ये कैसे डिसाइड करते हो। तो मैं आज दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल किस तरह है, मैं किस तरह से स्टॉक को आइडेंटिफाई करता हूँ कि हमें कौन से लेवल पर किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर से जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट आ रहा है आपके लिए, वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जरा मेरा एक ही इंटेंशन है कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक मार्केट के बारे में समझाया जाए, जिससे कि जो आपके मन में भ्रम है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, स्टॉक मार्केट में हरदम लॉस ही होता है, ये निकल जाए। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट एक कैलकुलेटिव रिस्क होता है, कैलकुलेटिव गेम है, जहां पर अगर आपको चीजें समझ में आने लगे तो आप उसमें अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हो, भले थोड़ा थोड़ा करके कमाओ। जिस इंसान के मन में अगर ये आ गया कि स्टॉक मार्केट मेरे लिए एक अलादीन का चिराग है, यहाँ से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, तो वो बंदा कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी, उसकी जो सोच है वो अलग है। मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में आप धीरे धीरे कमाइए, बूंद बूंद के घड़ा भरिए, लेकिन आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको समझ में आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि आपने स्टार्ट किया था एक बहुत ही छोटे अमाउंट से और वो आप जाके धीरे धीरे करके बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पर्सनल अपना पूरा 17 ईयर्स करियर में मैंने इस स्टॉक मार्केट में ऐसे ही धीरे धीरे करके पैसा कमाया है। वन शॉट में शायद ही मैंने कभी पैसा कमाया होगा, बहुत बड़े प्रॉफिट्स मुझे हार्डली कभी हुए होंगे, लेकिन मैं इसमें बिलीव करता हूं कि छोटा प्रॉफिट ही अच्छा होता है, क्योंकि वो इजी होता है आपको डाइजेस्ट करने के लिए, प्लस वो इजी होता है आपको समझने के लिए। तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। जिस दिन मार्केट अगर आपको दे रहा है प्रॉफिट तो उस दिन जरूर लीजिए, उस दिन मत छोड़िए, लेकिन हरदम बड़े प्रॉफिट का टारगेट मत रखिए। छोटे छोटे प्रॉफिट्स पर आप अपना थोड़ा थोड़ा इंटरवल्स पे आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, और जैसे मार्केट ऊपर ट्रेड होता रहेगा मार्केट के साथ चलिए, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड इन द स्टॉक मार्केट। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रेडिंग किस तरह से करता हूं मैं अपने चार्ट्स को देखकर, या कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूं कहां पर हमें बाय करना है या कहां पर हमें सेल करना है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था जिसमें था, वो था HDFC बैंक का। मैंने HDFC बैंक में कहा था कि देखिए यहां पर स्टॉक खुला और उसे मैंने स्टॉक को सेल कर दिया, काफी अच्छा स्टॉक में रिजल्ट आया था, स्टॉक में बहुत ही हाई गैप अप होने की चांसेस थे, वही हुआ, स्टॉक ऊपर ओपन हुआ और स्टॉक में सीधा गिरावट आ गई। यहाँ पर मैंने सेल रेकमेंड किया था, या फिर मैं कहूँगा यहाँ पर मैंने सेल किया और यहाँ पर मुझे काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। अब वो प्रॉफिट क्यों हुआ, मैंने सेल क्यों किया, देखिए सबसे पहली चीज है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए, आपने देखना चाहिए जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। कीप योर आईज एंड ईयर्स ऑलवेज ओपन, क्योंकि आपको हर जगह ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। अब जिस दिन यहाँ पर HDFC बैंक ओपन हुआ, ये मैं एक्चुअली अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन क्विकली यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा वापस से, जिन लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया हो बस उनके लिए। यहाँ पर देखिए स्टॉक कहाँ खुला, इसका हाई जो है वो है 1304.85, मतलब मैं पकड़ता हूँ 1305 पर। यहाँ का प्रीवियस हाई क्या है 1305, तो 1305 ये अपने एग्जैक्टली प्रीवियस हाई के आसपास खुला, प्लस इसमें एक और चीज क्या आ गई कि इसका ओपन इक्वल टू हाई आ गया। अब यहाँ पर स्टॉक कहाँ पे है, 1280 पे क्लोज हुआ है स्टॉक, 1270 1280 के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है, दूसरे दिन 1305 पे स्टॉक खुल रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जिसने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया है उसको ऑलमोस्ट यहाँ पर 25 पॉइंट के आसपास का गेन मिल रहा है, 25 से 30 पॉइंट का। तो देखिए एक एक चीज जॉइन द डॉट्स, अगर आप समझोगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि ओपन इज इक्वल टू हाई था, दूसरा पॉइंट ये है कि प्रीवियस हाई के आसपास ओपन हुआ था, तीसरा पॉइंट ये है कि गैप अप ओपन हुआ था। तीन पॉइंट ऐसे हैं जो बायर्स के फेवर में हैं, तो जिसने भी यहाँ बाय किया है वो डेफिनेटली यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देंगे। आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए, अगर यहाँ से आपको ओवरनाइट 25-30 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप क्यों बुक नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर सेल ऑफ हो गया। अब बहुत लोगों ने सेम फॉर्मूला यूज किया ICICI बैंक में भी, उन्होंने कहा ICICI बैंक भी गैप अप ओपन हो रहा है, ICICI बैंक में भी हम लोग इसे ट्रेड करेंगे। ICICI बैंक में वर्कआउट हुआ, वो फॉर्मूला जो था वो ICICI बैंक में वर्कआउट हुआ, क्योंकि आपको देखिए आप, मैंने यहां पर ये अंदाजा लगाया था कि अगर ये 550 के आसपास ओपन होता है तो ये डेफिनेटली सेल है, लेकिन
550 के आसपास ओपन होना पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 538 के आसपास क्लोज हुआ है, और 550 के आसपास अगर इसको ओपन करना है तो इसको मतलब यहाँ से 12 पॉइंट ओपन। आईसीआईसीआई बैंक एक हेवी वेट स्टॉक है, 12 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक के लिए ऊपर ओपन होना बहुत मुश्किल चीज है। तो उस दिन मैंने किस तरह ट्रेड किया, मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और मैंने ये सोचा कि अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मैं इसमें बाय करके चलूंगा फिर, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए जो रेजिस्टेंस करके एक्ट कर रही है वो इसके लिए एज ए सपोर्ट एक्ट करेगी, फिर इसमें बाय का ट्रेड बनता है। लेकिन क्या हुआ, स्टॉक खुला ट्रेंड लाइन के नीचे, थोड़ा ऊपर गया ट्रेंड लाइन तक, इसने अपने आप को रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक नीचे आने लगा। जैसे ही स्टॉक नीचे आने लगा वहां पर मैंने स्टॉक का पुट बाय किया, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया है। इसलिए मैं कहता हूं टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इस तरह के क्विक और बेनिफिशियल ट्रेड्स मिलते रहेंगे, और करना कुछ नहीं है, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस नीचे जाके क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। तो यही बढ़िया ट्रेड हुआ आईसीआईसीआई बैंक में भी, सेम ट्रिक सेम मेथड यूज हुआ और वर्कआउट हुआ, काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिला। अब आता है एचडीएफसी बैंक का नतीजा, एचडीएफसी लिमिटेड का नतीजा। एचडीएफसी लिमिटेड में क्या हो गया कि बहुत लोगों को लग रहा था कि एचडीएफसी का भी अच्छा नतीजा आया है, ये भी गैप अप ओपन होगा और इसमें भी हम सेम ट्रेड करेंगे, और बहुत लोगों ने खुलते ही एचडीएफसी बैंक में आज शॉर्ट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि सेम उसी तरह की पोजिशन आज वापस से ट्रेड, उसी तरह का पोजिशन, उसी तरह की चीजें आज वर्कआउट हो सकती है। लेकिन नहीं, आज मैंने एचडीएफसी लिमिटेड को बाय किया था। क्यों बाय किया था, देखिए सबसे पहले यहाँ का जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर स्टॉक नहीं ओपन हो पाया, तो सबसे पहली चीज यही पर आपको निगेट हो जाती है कि आपको स्टॉक को सेल नहीं करना है। सेकंड थिंग, स्टॉक जहां खुला गैप अप स्टॉक नहीं ओपन हुआ। अगर आप देखोगे तो प्रीवियस क्लोज कहां था स्टॉक का, प्रीवियस क्लोज था 2395, आज स्टॉक कहां पर ओपन हुआ है 2412 के आसपास, मतलब स्टॉक ने हार्डली 10-12 पॉइंट का, 15 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। 15 पॉइंट का मूवमेंट, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद अगर आप कहोगे कि स्टॉक यहाँ पे खुला है, ओपन इक्वल ऑलमोस्ट ओपन इक्वल टू हाई था इसका, सॉरी ओपन इक्वल टू लो था इसका, तो यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बहुत थे। अब इसमें इनिशियली मैंने बाय का ट्रेड नहीं लिया, मैंने बाय का ट्रेड कब लिया है, जब इसने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, तो यहाँ पर मैंने एक कॉल बाय किया और यहाँ से स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया, जहां पर हमें करीब करीब 20 से 22 पॉइंट का मूवमेंट नजर आया। तो इस तरह का ट्रेड हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड में आज, भले ही अच्छे रिजल्ट्स थे लेकिन आज हमने एचडीएफसी लिमिटेड को सेल नहीं किया है। तो हर स्टॉक को ट्रेड करने के लिए आपको पहले उसका होमवर्क करना जरूरी है, आपको ये समझना चाहिए कि वो स्टॉक अगर कहां खुलेगा, एक दिन पहले अगर आप होमवर्क करते हैं, अगर ये स्टॉक कहां खुलेगा तो ये स्टॉक कहाँ खुलने पर मुझे सेल करना है, कहाँ खुलने पर मुझे बाय करना है। अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड को आज ध्यान से देखेंगे तो देखिए एचडीएफसी लिमिटेड आज ऊपर भाग रहा था, और जब ऊपर भागना चालू हुआ तो भागते भागते स्टॉक कहाँ तक गया, देखिए ये ट्रेंड लाइन, एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन को इसने टच किया है, इसी को इसने हाई बनाया है, यहां से स्टॉक नीचे घूम गया है। तो जो लोगों ने इस लेवल के आसपास बाय किया होगा 2460 2470 के आसपास, वो डेफिनेटली ट्रैप हो गए होंगे आज। तो ये चीजें आपको समझाती हैं, ये चीजों से आपको मदद मिलती है जब भी आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में, कि टेक्निकल चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेक्निकल चार्ट समझ में आने लगेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग काफी आसान हो जाएगी, फिर आप भले ही थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमाओ लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, जिसके लिए हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस लेते हैं रेगुलर बेसिस पर, आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि आपको ट्रेडिंग किस तरह करनी चाहिए। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये एक सिर्फ झलक है, इसी तरह के बहुत से अलग अलग पैटर्न से मेथड्स भी होते हैं, ये कोई पैटर्न नहीं है लेकिन ये मेथड है, ये आपका एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। इस लेवल पे अगर स्टॉक आ रहा है, यहाँ पर अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। इनफैक्ट जो एक स्मार्ट ट्रेडर रहेगा वो देखेगा स्टॉक यहाँ पे आके रुक रहा है, वो थोड़ी देर वेट करेगा और देखेगा अगर स्टॉक यहाँ पर 2460 2455 के नीचे आ रहा है, इसके हाई के नीचे आ रहा है स्टॉक, तो वह यहाँ डेफिनेटली एक इंट्राडे ट्रेड करने के लिए यहाँ पर स्टॉक को सेल करेगा और वापस से नीचे की रैली करेगा। तो उस ट्रेडर को दोनों डायरेक्शन में ट्रेड करने का मौका मिला। ये तरीका होना चाहिए आपका ट्रेड करने का, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो आपको समझना चाहिए स्टॉक किस डायरेक्शन में जाने वाला है, रिजल्ट आएंगे तो कहां जा सकता है। अब एक स्टॉक मैंने बताया था बीपीसीएल, देखिए मैं इंट्राडे स्टॉक में मैंने एक दिन रेकमेंड किया था बीपीसीएल को, मैंने कहा था कि जब भी ये अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आता है कंसोलिडेट होता है, देखिए यहाँ भी ये कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया वापस यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, मैंने यहाँ पे बाय रेकमेंड किया था, सेल मैंने कहा था कि जब तक ये 460 के नीचे नहीं आएगा हमें सेल नहीं करना है, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा हम इसे बाय करेंगे। दो दिन देखिए, तीन दिन देखिए स्टॉक नहीं ब्रेक कर पाया, बहुत लोगों ने कहा आपने रेकमेंड किया था स्टॉक में ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन आज के सेशन में देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मूवमेंट देखिए किस तरह की मूवमेंट है, ये
इसको कहते हैं पावर ऑफ टेक्निकल। आपको जब ये समझ में आने लगेगा कि हाँ आज ये ब्रेकआउट हो गया है तो आप यहाँ डेफिनेटली ट्रेड लोगे। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ट्रेंड लाइन के अलावा देखता हूँ तो लास्ट 3 दिन से स्टॉक इज अपने हाई को नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो सेफर साइड जैसे ही अपने हाई को क्रॉस करेगा, लास्ट 3 दिन के हायर हाईज को ब्रेक करेगा, इसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट आई। ये चीजें देखते हैं जो एक स्मार्ट टेक्निकल ट्रेडर होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपको हेल्प करती हैं जब भी आप ट्रेडिंग करते हो। तो जरूरी नहीं है कि जो मैंने स्टॉक बताया वो इमीडिएटली नेक्स्ट डे रन हो सकते हैं या फिर वो भाग सकते हैं ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। हो सकता है कि उसमें पॉज आ जाए, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग अपने एनालिसिस पर, अपने अंडरस्टैंडिंग पर, अपने एक्सपीरियंस पर उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें किस तरह का मूवमेंट आ सकता है और वही हम लोग शेयर करते हैं अपने वीडियोस में। तो जब भी मैं कोई भी रिकमेंडेशन देता हूँ किसी स्टॉक के बारे में, आप भले ही उसमें ट्रेड ना कीजिए लेकिन आप उसको अपने वॉचलिस्ट में रख सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि फ्यूचर में उसमें किस तरह की मूवमेंट आ रही है। तो ये है मेरा पैटर्न जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। मैंने HDFC बैंक, HDFC ये आपको बता दिया है। ऐसे अलग अलग और भी पैटर्न्स होते हैं, गैप अप गैप डाउन भी होते हैं। अगर आपको ये सब के बारे में जानना है आप फटाफट हमारे साथ ट्रेनिंग क्लासेस में जुड़ सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस है, शायद ही कोई इतना नॉमिनल फीस में आपको पढ़ाता होगा। और उसके सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, हम आपको इसके साथ सपोर्ट भी करते हैं थ्रू आउट ईयर ट्रेडिंग करियर। मतलब अगर हम आपको लाइफ टाइम के लिए इसमें सपोर्ट करते हैं कि आपको कहीं भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है, यू आर फ्री टू व्हाट्सएप मी, कॉल मी और ईमेल मी और हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ। जितने ज़्यादा लाइक करेंगे अच्छा होगा। अगर आप 100 लाइक्स क्रॉस करते हैं तो मैं एक और ऐसा ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ इस वीक में ही। जैसे ही आपका 100 लाइक क्रॉस हो गया है मैं इस वीक में एक नया वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं और कुछ बातें सिखाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग में कौन सी चीज़ें आपको और ध्यान पे रखनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।